24. A glass prism of refractive index 1.5 is immersed in water mu equals to 4 by 3. Light beam incident normally on the face AB is totally reflected to reach the face BC. Then sin theta के बारे में हमें क्या पता है? Okay, तो यहाँ पे TIR हो रहा है. ओके तो ये दिया है हमें. यहां से नॉर्मली फॉल हुई, चलो मैंने उल्टा बना दिया लेकिन समझ जाएंगे उससे. ये एंगल थीटा है, ये ए बी सी नॉर्मली फॉल हुई, तो ये ऐसी सीधे सीधे निकल जाएगी. डेविएशन नहीं होता है नॉर्मल फॉल में. इधर आया ये परपेंडिकुलर, तो इसकी एक्सट्रीम कंडीशन ये होगी कि ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, करेक्ट, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है. तो सी, ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा मान लेते हैं, ये ज्यादा होना चाहिए सी से, ठीक है. और टी आई आर होगा तो फिर यहाँ पे सेम एंगल से आगे निकल जाएगा, तो इसकी बारे में बात करनी है अपने. तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन सी इक्वल्स टू 1/μ. 1/μ का मतलब है μ1/μ2. ये रेयर मीडियम वाला, ये टेंसर मीडियम वाला. रेयर मीडियम यहाँ पे है पानी, तो पानी का होता है 4/3, और टेंसर मीडियम है ग्लास, ग्लास का है 1.5 यानी 3/2, तो ये हो जाएगा 8/9. तो साइन सी जो है वो 8/9 है, तो साइन थीटा जो है वो ग्रेटर देन 8/9 होना चाहिए, ये हमें पता है. तो साइन थीटा ग्रेटर देन 8/9, ऑप्शन ए करेक्ट है. ऑप्शन सी गलत, ये गलत, ये गलत. ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है. क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगेगा बस.